आद गुमराह। गुण स्वर का संस्कृत में सूत्र है, अब इसकी व्याख्या बोलेंगे तो सब लोग लिख लीजिएगा। यदि यदि अ आ के बाद, यदि अ आ के बाद ओ आ के बाद ह्रस्व ई दीर्घ ई रहे, यदि ओ आ के बाद ओ आ के बाद ह्रस्व ई दीर्घ रहे, ओ आ के बाद हरसी दीर्घी रहे, तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। यदि ओ आ के बाद ह्रस ई दीर्घी रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। हो गया, उसी में फिर लिखो। ओ आ के बाद ह्रस्व दीर्घ रहे तो दोनों मिलकर ओ वो हो जाता है। ओ आ के बाद ह्रस्व दीर्घ रहे तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है, ओ ओ ओ हो जाता है। फिर लिखो, हाँ, अ आ के बाद र रहे तो दोनों मिलकर और हो जाता है। और हो जाता है। जैसे
हो गया सब लोग लिखे। अब और रहे या चाहे आ रहे, और रहे चाहे आ रहे, उसके बाद हरस ई रहे चाहे दीर्घ रहे, हरस ई रहे चाहे दीर्घ रहे, दोनों में से कोई रहे, पहले और रहे चाहे आ रहे, और बाद में हरस ई रहे या चाहे दीर्घ दीर्घ। ये ऊपर दे दिए तो दीर्घ हो गया, ये हरस है ये दीर्घ, तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, दोनों मिलकर क्या हो जाता है, कब कब ए होता है बोलो, ए कब हो जाता है, कैसे क्यों हो जाता है, पहले क्या रहेगा, पहले पहले क्या रहेगा, चाहे आ दोनों में से कोई एक ठो रहेगा, और रहेगा चाहे आ रहेगा, उसके बाद क्या आएगा, हरस ही या चाहे दीर्घ ही, दोनों में से कोई एक ठो, और दोनों मिलकर के ये हो जाएगा। अब जैसे देखो, बैठ जा, हिंदी में हो जाएगा परम जोर इंद्र, और संस्कृत हो गया परम जोर इंद्र, परम जोर इंद्र इंद्र हो गया। तो अब यहाँ ई मिल रहा है, ई पहले आ चाहे आ मिलना चाहिए, और उसके बाद में ना हरस ई चाहे दीर्घी, तो यहाँ हरस ई मिल गया एक, लेकिन हरसी के पहले अ चाहे आ मिलना चाहिए, म में अ है, यही अ है, म के नीचे अ है, आ जोर ई है, दोनों मिलकर क्या होगा, ये होगा, ये हो जाएगा, है ओ आ जोर ई बराबर ए, तो यहाँ परम जोर इंद्र क्या हो जाएगा, परमेंद्र, परमेंद्र है जी। देखो देव जोर इंद्र, देव जोर इंद्र, देव अ अ व में अ है, देव अ हम बोलते हैं देव अ देव, तो अ आ जाता है, तो अ आ गया, यहाँ आगे क्या आया, हरसी हरसी, और दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देवेंद्र अब यदि आ रहे, यदि आ रहे और दीर्घ ही रहे, रमा आ हो गया, रमा आ और आगे कौन दीर्घ ही, तो आ या ई दोनों को क्या होना है, ये होना है, तो क्या हो जाएगा, रमेश आता है संधि विच्छेद करने के लिए परीक्षा में, तो लड़के बना देते हैं राम जोर ईश, राम कहाँ है, रोमा है, रोमा
दूसरा उदाहरण, परम जोर ईश्वर, परम जोर ईश्वर, बोलो ए बोलो तुम बोलो, परम जोर ईश्वर में किन किन वर्णों की संधि होगी, कौन कौन वर्ण मिलेंगे? परम में अ है, अ है, अ अ बोलो, सीधे अ बोलो, आ इधर दीर्घी, दोनों मिलकर क्या होगा, क्या बनेगा, अ और ई मिलकर क्या बने, ये बनेगा, तब हो जाएगा परमेश्वर। बैठो, महाजोर इंद्र, महाजोर इंद्र बोलो, महाजोर इंद्र किन किन वर्णों की संधि होगी, कौन कौन वर्ण मिलेगा, आ महा आ आगे हरस्य बोलो, ई नहीं हरस्य ई, आ और ई, यहाँ महा हो गया आ और इंद्र में हरस्य, दोनों मिलकर ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, महेंद्र, महेंद्र बैठो, महेंद्र महाजोर ईश, महाजोर ईश, किन किन वर्णों की संधि होगी, आजोर दीर्घी, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ए, तो क्या हो जाएगा, महेश। सूर जोर इंद्र, सूर जोर इंद्र, किन किन वर्णों की संधि होगी, अजोर हरसी, र में अ आगे हरसी, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, सुरेंद्र, सुरेंद्र। अब सुरेंद्र किसी का नाम लिखना होगा तो गलत नहीं ना लिखिएगा, सूर जोर ईश क्या होगा, सुरेश, तहार का गड़बड़ाए, का छूट गई जो चल रह गई एना, उनकर तो संस्कृत छूट गई रह गई रही कोचिंग में, लेकिन जाए के चाहिए, तहार का छूट गई, इनकर सब में से छूटा रहे था, सब में संस्कृत में 50 नंबर आया था सर, 50 हो सर, बताओ सब में 50-50 आ जाए तो सेकेंड डिवीजन आई तो आई, कोशिश कर लोनी जी, अब फिर मत कुछ मत छोड़ लो नहीं, सब ले लीजिए, अच्छा टिकट कटे हलो नहीं तो एना ही ना जो मढ़ौरे ले कटा के मढ़ौरे से घूम एकदम वहाँ पटना ले बोर्ड ऑफिस ले अब के एकदम चले जाओ, संस्कृत में लड़का फेल हो गई, तो अब ई हमरा बुझाता
ये इतना समझ में आ गई कि और रहे चाहे आ रहे, ओकरा बाद हरस ई रहे चाहे दीर्घ ही रहे, दोनों मिलके ए हो जाए, ए हो जाए। ये सब लोग जान गए कि ओ आ के बाद हरौसी दीर्घी रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। उदाहरण से सब लोग समझ गए। अब बनाना है, क्या साबित करना है? ओ आ के बाद, ओ आ के बाद हरसु दीर्घु रहे तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। परम जोर उदार, एकदम पढ़ाएंगे, उतने पढ़ाएंगे, अधिक नहीं, उतने पढ़ाएंगे जिसमें से 100 नंबर आपका आ जाएगा, 100 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। अब उसी 100 में आप जितना तैयार करके जाइएगा उतना आपको आ जाएगा। पिछले साल जो जिसको 473 नंबर आया, सारण में फर्स्ट किया, अब सरकार उसको फ्री पढ़ा रही है, फ्री फ्री एडमिशन हो गया राजेंद्र कॉलेज में, अब फ्री पढ़ाई सरकार पढ़ा रही है, उसको खर्च नहीं। सारण में फर्स्ट किया, 473 नंबर, 27 नंबर कट गया उसका, 94 नंबर आया है खाली संस्कृत में, 94, 2 महीना पढ़ाए थे। और नवादा का एक लड़का, उसको 10 नंबर कम हो गया, हालांकि वो भी लड़का ठीक था, 463 नंबर आया, 92 नंबर आया उसको संस्कृत। थर्ड आया सारण में पिछड़ुखुआ का आशीष, 436 थर्ड आया। पेपर में सब निकल गया इसको कितना नाम के साथ। ये 3 बच्चे सारण जिला में टॉप किए थे। पुचरुखों वाला को भी संस्कृत में खूब नंबर आया, 90 के ऊपर थे। ये सब बच्चे हिंदी संस्कृत में 90 के आसपास, 1-2 नंबर कम या 1-2 नंबर अधिक। तब अब देखना है हम लोगों को, अ रहे चाहे आ रहे, और उसके बाद हरसु रहे चाहे दीर्घु। तो यहाँ कौन कौन वर्ण दिखाई पड़ रहे हैं? अजोर हरसु, अ कहाँ है? म में, उदारह में हरसु है, यहाँ म में अ हो गया और यहाँ हरसु, दोनों को क्या होना है? ओ होना है, परमोदार, परम उदार। पूछेगा प्रश्न आपसे, देखो अभी तो परीक्षा देने जा रहे हो तो संस्कृत की परीक्षा होगी ही, तो आज है तो आपको तो अभी कुछ मिला नहीं, अभी तो बस कुछ नहीं, अभी तो आपको जितना दिन पढ़ाए थे सिलेबस पढ़ाते खाली, तो संस्कृत संधि समास कारक प्रकरण 3 ठो तो जरूर पढ़ा दिए, एकदम आ जाता परीक्षा में, वही पढ़ाते जाते हैं वही आता है। तो अगली परीक्षा जो होगी, टेस्ट जो होगा, टेस्ट नहीं होगा ना, मंथली करके छुट्टी हो जाएगा, बोल रहे थे सर। अच्छा, हाँ तो ठीक है, तो एकदम आपके मैंने 2 महीना 60 दिन क्लास रेगुलर करने दीजिए, 60 दिन में पढ़ा देंगे किताब भी, और साल तो किताब नहीं पढ़ा पाए, ठंडी लग गई, अब की बार देखें क्या होता। तब हो गया परमोदार,
सूर्य जोर उदया, सूर्य जोर उदया, बोलो जी रे बोलो, सूर्य जोर उदया। यहाँ किन किन वर्णों की संधि होगी, बैठकर बोलो, बैठे बैठे बोलो, बैठे बैठे आ सूर्य आ उदय में उ क्या बन जाएगा, सूर्योदय। महाजोर उदय, महाजोर उदय, बोलो ए बोलो, महाजोर उदय किन किन वर्णों की संधि होगी, ओ कहाँ ओ है, हा में ओ है, सब महा में क्या है, ओ है, आ है, जगवल बुझता है, सब गुरु माटी, इतना पढ़ाए समझाए सो सब चलो पुतन से पोत लिया। तब यहाँ क्या है, महा, आ आगे क्या है, रसु, दोनों मिलकर क्या होगा, महोदय, महोदय, बैठो। एक जोर ऊनम, ऊन माने कौन, तो यहाँ क्या है, क में अ है, आगे क्या है, दीर्घ, दोनों मिलकर क्या होगा, ओ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एकोनम चला जाए। तब चंद्र जोर उदय, चंद्र उदय, बोलो जी, चंद्र जोर उदय, चंद्र जो उदय में किन किन वर्णों की संधि होगी, आएगा प्रश्न इसी तरह आएगा, पूछेगा कि चंद्र जोर उदय का संधि क्या होगा, ऐसे पूछेगा, चार तरह का प्रश्न आएगा, अभी तो परीक्षा देने जा रही हो तो दे देगा, जोर देगा चंद्र जोर उदय, और पूछेगा कि चंद्र जोर उदय की संधि क्या होगी, ये संधि पद बनेगा तो क्या बन जाएगा, चंद्रोदय। चंद्रोदय, चंद्रोदय बन गया। दूसरा देखो, दूसरा लिखो मत, सुनो पहले, दूसरा पूछेगा कि चंद्र जोर उदय में किन किन वर्णों की संधि होगी, अजोर इतने पूछेगा कि चंद्र जोर उदय में किन किन वर्णों की संधि होगी, अजोर। तीसरा पूछेगा कि चंद्र जोर उदय, चंद्र जोर उदय में कौन संधि है, स्वर है, गुण स्वर, गुण स्वर, आइयो तो सब कुछ सकता है कि चंद्र जोर उदय संधि विच्छेद करे। चौथा अब पूछेगा चंद्रोदय संधि विच्छेद करें, चंद्र जोर उदय, चंद्र जोर उदय,
चार तरह का प्रश्न हो गया, एक दो तीन चार, चार तरह का प्रश्न हुआ और चार तरह का उत्तर हो गया। यही तो आएगा, इसी तरह तो पूछेगा। चलो तब इस समझ में आ गया कि अजोर और रहे चाहे आ रहे, और रहे चाहे आ रहे, उसके बाद हरसू रहे चाहे दीर्घु रहे, दोनों मिलकर वो हो जाएगा। उदाहरण से समझ में आया? महाजोर उत्सव, महाजोर उत्सव आ, आगे हरसु, दोनों मिलकर क्या होगा? वो हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा? महोत्सव, 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 महाउत्सव, महोत्सव। अब महोत्सव संधि विच्छेद करने के लिए आ जाएगा तो बना लोगे क्या? क्या बनाओगे? महाजोर उत्सव, ठीक। महोदय तो यहाँ हो गया है, महोदय हो गया, महोत्सव नहीं है। ना ना हो गया, वो बोला महोदय तो हो गया, हो गया, समझ में पूरा आ गया। अब क्या है कि अ आ के बाद रो रहे तो दोनों मिलकर और हो जाता है। बड़का भाई अरे री रहे, ओ आ के बाद री रहे, तब दोनों मिलकर के और हो जाता है, अगला में रो है। अब है ओ आ के बाद री रहे तो दोनों मिलकर और हो जाता है, और रो में हलन माने आधा रो और हो जाता है। तो देव जो किन किन वर्णों की संधि हुई यहाँ? अजोर री, अजोर री, और दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? और री मिलकर क्या हो जाएगा? और तो देवर्षि, यहाँ रह हो गया, यहाँ र के बदले रेप देवर, इसमें व में अ आ गया और र यहाँ आ गया ऊपर देवर्षि। महाजो ऋषि, महर्षि, महर्षि आ, और यहाँ री, दोनों मिलकर हो गया और, तो क्या हो गया? महर्षि। सप्त जो ऋषि क्या होगा? सप्तर्षि। सप्तर्षि स्वर संधि के पांच भेद जो बतलाए थे, तो पहला क्या बतलाए थे? दीर्घ। दूसरा क्या हो गया? गुण। तीसरा क्या है? इको यानची, इको यानची,
ये सूत्र है, यण स्वर का सूत्र है। अब नहीं आ रहा है, बदल दिया, नहीं तो पहले देता था इस तरह देगा, पूछेगा इको यानी सूत्र की व्याख्या करें, दो नंबर का बस इतने में इको यानी सूत्र की व्याख्या करें, उदाहरण में हो गया, उदाहरण सहित व्याख्या करें, दो नंबर का हो गया। यदि हरासि हरासु रि लिरी के बाद आ रहा है ना इसमें मोबाइल में, लिरी के बाद कहाँ हरसी हरसु री लिरी लिरी के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर रहे तो यदि हरसि हरसु रि लिरि के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर रहे तो ई का य हरसु उ का व रि का र तथा रि का ल हो जाता है, रि का र तथा रि का ल हो जाता है। हो गया। यदि हरसि हरसु रि लिरि के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर रहे तो ई का य हरसु का व रि का र तथा लिरि का ल हो जाता है। अब ई का य कैसे होता है, यदि जोर अपी खाली देखो और लिखो मत, समझो खूब, समझ में आ जाएगा तो लिखो बाद में। यदि जोर अपी, अब इसमें कहता है कि हरस ई हरसु रि लिरि के बाद अपने से भिन्न, यहाँ कौन वर्ण है, यहाँ हरसी है, अभी अक्षर नहीं देखना है, द नहीं देखना है, इसमें मात्रा क्या है, स्वर वर्ण क्या है सो देखना है, तो स्वर वर्ण हरसी है और आगे क्या है अ है, तो ये दोनों भिन्न स्वर हैं कि समान स्वर हैं, भिन्न स्वर है, एक जैसा दोनों नहीं ना है, पहले जो मिला था कि दो समान स्वर माने अ जोर हरसी हरसी हरसु हरसु दीर्घ हो जाता है, समान हो गया समान स्वर, लेकिन यहाँ है कि भिन्न स्वर, ये चार वर्ण जो है हरसी हरसु रि लिरि के बाद अपने से माने इनसे भिन्न कोई स्वर रहे, तो यहाँ दो में हरसी है और आगे ओ है,
तो दोनों एक ही स्वर समान स्वर हुए कि भिन्न स्वर हुए? भिन्न स्वर, भिन्न स्वर हो गया। तब यहाँ हरसी जो है इसका क्या होगा? ई का य, यहाँ द में हरसी है और आगे अ है, दोनों मिलकर य हो जाएगा। य य य, और उसी को य कहते हैं। हो गया ई य और असी य मिलकर के य। देखो जैसे देखो य जो है यह यो कहते हैं आ गया, और यह द आधा आधा द आ गया आधा द, और इसी में हरस ई और अ दोनों मिलकर हो गया य। अब क्या बच गया? पी। यहाँ द में यह हो गया और पी ज्यों कहते हुए आ गया, तो यद्यपि हो गया। इति जोर आदि, इति जोर आदि, यहाँ तो में हरसी है और यहाँ आ है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? या। वहाँ य है, चूंकि अ है केवल, इसलिए वहाँ यहाँ केवल य होगा, लेकिन यहाँ आ है तो हो जाएगा या इत्या। आधा तो इत्यादि। अति जोर आवश्यक, अति जोर आवश्यक, यहाँ तो हरसी है और यहाँ आ है, तो क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, या हो जाएगा। यहाँ ई और यहाँ आ, तो या नहीं होगा। ई आ ई या ओ दोनों मिलकर के हो गया ई ओ, आ यहाँ ई या आ मिलकर के हो गया या इत्या। और उसी तरह से अति जोर आवश्यक, तो यहाँ ई आ मिलकर के हो जाएगा या, आधा तो हो जाएगा। ओ ज्यो कहते हो आ गया ओ, आधा तो आ गया आधा तो, और इसी में हरसी आ मिलकर के हो जाएगा या अत्या। व हो गया। अति जोर उक्ति, अति जोर उक्ति, तो ई आ ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा? यू, यू हो जाएगा, यम हर्षू हो जाएगा। अत्युक्ति अतो आधा हो जाएगा, अ त्यु अत्युक्ति, अत्युक्ति तो य हो गया।
अब ह्रसु का व हो जाता है कैसे ह्रसु मधु जोर अरि यहाँ क्या है ह्रसु और यहाँ क्या है अ तो ह्रसु और अ दोनों एक स्वर हैं समान स्वर हैं कि भिन्न स्वर हैं भिन्न स्वर है यहाँ ह्रसु है और यहाँ अ है और दोनों मिलकर क्या हो जाएगा व हो जाएगा आधा व क्योंकि हलंत है तो हो जाएगा म ध ज्यो का त्यों आ गया आधा मधव अनुजोर आया अनुजोर आया क्या हो जाएगा आधा आधा न हो जाएगा और हरस हुआ और मिल करके वह हो जाएगा अन्वय 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 अब री का र कैसे होता है मास जोर ऋतु मास जोर ऋतु यहां क्या है ओ और यहां क्या है री दोनों मिलकर क्या हो जाएगा र मास ऋतु नहीं उसको काटो इसको काटो और वहीं दूसरा लिखो नीचे उसके नीचे धात्री धात्री री के बाद ना ओ आएगा री के बाद या आएगा री के बाद तब र हो जाएगा तब र होगा और मास ऋतु मास ऋतु वो चला जाएगा उसमें गुण स्वर में तो यहाँ री और इसका र होना है तो अंश तो री और अ दोनों एक समान स्वर है कि भिन्न स्वर है भिन्न स्वर तो री का यहाँ क्या हो जाएगा र हो जाएगा तो धात्र र अंश पितृ जोर आदेश क्या हो जाएगा पित्रा र नहीं होगा पित्रा रा ना हो जाएगा पित्रा देश मातृ जोर आदेश मात्रा देश
मात्र रो आदेश का आ तो रा मात्रादेश, अब ली का लो हो जाता है, तो ली जोर आकृति बराबर लाकृति, माने खराब रूप से यण स्वर के बाद कौन संधि है? वृद्धि। अब वही फिर लिखो, यदि यदि अ आ, यदि अ आ एक लाइन में सब लिख दी है, काहे एक लाइन में थोड़े लिखते हैं, यहाँ यहाँ संस्कृत यहाँ लिखो, इसके बाद में हेडिंग यहाँ दो, क्या पढ़ना है तो वृद्धि स्वर संधि, तब यहाँ लिखो वृद्धि स्वर संधि का सूत्र क्या है, फार्मूला। ये भी पता नहीं है, जैसे लिखते हैं हम वैसे तो लिखो कम से कम। यदि अ आ के बाद, अ आ के बाद अ आ के बाद ए ए आ के बाद ए ए रहे, ओ आ के बाद ए आए रहे, तो दोनों मिलकर ओ आ के बाद ए आए रहे तो दोनों मिलकर आए आए हो जाता है, दोनों मिलकर आय हो जाता है। हिंदी में कितना नंबर आया था तुमको? 61। बढ़िया था। उर्दू में? उर्दू में 61 ही था, ठीक था, बढ़िया थी। उर्दू तो बड़ा कठिन है, नंबर आता है, बढ़िया था। चलिए, ओ आ के बाद ए आए रहे तो दोनों मिलकर आए हो जाता है, फिर लिखो, फिर ओ आ के बाद वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है, मैंने तो ओ आ के बाद ओ औ रहे, फिर ओ आ के बाद ओ औ रहे तो दोनों मिलकर ओ आ के बाद ओ औ रहे, बोर्ड पर लिखे हैं, तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। ओ आ के बाद ए ऐ रहे तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है, ओ आ के बाद ओ औ रहे तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। जैसे लिखो, जैसे यथा माने जैसे और तथा माने वैसे,
यथा मने जैसे, तथा मने वैसे। तो जैसे लिखेंगे जैसे, चाहे यथा, यथा मने जैसे। तो एक जोड़ एकम, एक जोड़ एकम, एक जोड़ एकम, एक जोड़ एकम। हमको जोड़ना क्या है? और रहे या चाहे आ रहे, और रहे या चाहे आ रहे, उसमें किसको जोड़ना है? ए रहे चाहे आ रहे, दोनों में से तो एक एकम तो है ही है, एक एकम तो है ही है, ऐ ना होना है जी, है एक एकम। वाह, यहाँ क्या है? ओ, यहाँ क्या है? यहाँ क में क्या है? ओ, और यहाँ क्या है? ए, दोनों मिलकर क्या होगा? ऐ, ऐ हो जाएगा, तो हो जाएगा ए कै कम, एक कम, एक एकम, एक कम। मत जोर ऐक्यम, मत जोर रिया खातून। कोई है इसमें बची? तुम हो, कौन है? ओ रिया खातून। चलो मत जोर आय के हम, किन किन वर्णों की संधि होगी यहाँ? कौन कौन वर्ण मिलेंगे? वर्ण, कौन कौन वर्ण मिलेंगे? तो में ओ है, तो में अ है, और उसके बाद ए, अ और ए। किन किन वर्णों की संधि होगी? तो अ और ए। कौन कौन वर्ण मिलेंगे? तो अ और ए, और दोनों मिलकर होगा क्या? ए हो जाएगा। यहाँ तो में अ है और यहाँ ए है, ए, और यही यहाँ लिखे हैं कि ए रहे चाहे ए रहे, तो दोनों मिलकर, तो यहाँ दोनों मिलकर आय हो जाएगा, आय तो हो जाएगा म म तय क्या मताय क्या, मैंने एक मत, एक मत मताय क्या, एक मत। सदा जोर एव, सदा जोर एव, किन किन वर्णों की संधि होगी? आ और ए, आ और ए, तो क्या हो जाएगा? सदैव, सदा मने हमेशा, एव मने ही, सदैव मने हमेशा ही, हमेशा। तथा जोर एव, तथा एव, आ यहाँ ए। तत्र जोर एव, तत्र जोर एव, बोलो तत्र एव, तत्रैव, 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 तत्र मने वहाँ, एव मने ही, वही, तत्र मने वहाँ, एव मने ही, दोनों को तत्रैव जोड़ दिए तो वही, वही तत्रैव, तथैव उसी प्रकार ही, सदैव हमेशा ही। अब है ओ आके बाद, और रहे चाहे आ रहे, उसके बाद वो रहे चाहे और रहे, तो दोनों मिलकर और।
जल जोर ओ घ ल, जल जोर ओ घ ल में क्या है अ और आगे क्या है ओ, दोनों मिलकर हो जाएगा अ, तो हो जाएगा जलो। बन जोर ओ घ बनो घ, बनो घ, घना जंगल, बहुत बड़ा घना जंगल, बहुत बड़ा वन जंगल। आ जलो घ जहाँ बहुत जल हो माने बाढ़, बन जोर औषधि, बन औषधि, जंगली औषधि, जंगली दवा। महाजोर औषधि, महाऔषधि। एस जैसे, एस जैसे किताब में मिलेगा बहुत, एस के जैसे, तो आधा वह है। जैसे पहला पाठ जो है उसमें नीचे है, सबसे नीचे समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, तो आधा अ है, उसमें पूरा अ नहीं है। ये एस जो है यहाँ आधा अ है, अर्ध अ, अर्ध अ, आधा अ। तब एचो अवाया व, बोलो प्रियांशु, बोलो एचो अवाया व, एचो अवाया व, देख कर बोलो एचो अवाया, यो है उसके बाद में यो है, अ यो, एचो अवाया वा या व, एचो अवा या व, एचो अवा या व, ए चो ऐ वा या व, एचो अवा या व। ये तो बड़ा सबसे हल्का है, एचो अवा या व, ए चो ए चो ए वा या व, अलग अलग बोलेंगे तो टूट जाएगा। ए चो ए वा या व, ए चो ए वा या व, चलो लिखो। यदि बाद में, यदि बाद में, बाद में अपने से भिन्न, यदि बाद में अपने से भिन्न कोई स्वर रहे, यदि बाद में अपने से भिन्न कोई स्वर रहे,
यदि बाद में अपने से भिन्न कोई स्वर रहे तो एका आए, एका आए, आए का आए ओ का ओ तथा औ का आव हो जाता है तथा औ का आव हो जाता है। जैसे जैसे लिखे हैं वैसे लिखो, साफ लिखती है लेकिन सब एक एक लाइन में सब लिखे। अरे हम जैसे लिखे हैं ए का आय, आय का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता, ऐसे लिखो समझ में आएगा। ऐसे एक में मिलाकर लिखोगी तो समझ में नहीं आएगा, पढ़ने वाला भी पढ़ेगा लेकिन वो भी नहीं समझेगा। यदि बाद में मिलाओ, यदि बाद में अपने से भिन्न कोई स्वर रहे तो ए का आय, आय का आय, ओ का ओ तथा औ का आव हो जाता है। जैसे यथा कहता है कि बाद में भिन्न स्वर रहे तो पहला से जोर अनाम, से जोर अनाम पहला स्वर क्या है, पहला स्वर क्या है ए, से ए है। और इसके बाद में अ जो है सो समान स्वर है कि भिन्न स्वर है, भिन्न स्वर है, एक जैसा दोनों नहीं ना है, भिन्न स्वर है। तो ए का यदि बाद में अपने से भिन्न स्वर रहे तो ए का क्या हो जाएगा, ए का ऑय हो जाएगा, तो हो जाएगा शयनम, शयनम। ने जोर अनाम नयनम, नयनम एक आय हो गया। अब आय का आय होना है, गई जोर अक, गई जोर अक, गई जोर अक, किन किन वर्णों की संधि होगी, आय और अ, आय और अ दोनों एक स्वर है कि भिन्न स्वर है, भिन्न, अलग 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 अलग। तो आय का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा गाय का। विनय जोर अक, विनय जोर अक, विनायक, विनायक
दई जोर अका दई जोर अका दायक आय आय हो गया। इधर से बच्ची नहीं बोलेगी सब तो अलग कर देंगे उधर उस रूम में खाली बच्चों को पढ़ाएंगे। हैं वो तो अलग पूछेंगे तब ऐसे एक बार जब सबसे पूछते हैं तो खाली बच्चे बोलते हैं बच्चियां नहीं बोलते। अब वो का ओ कैसे होगा। अब ओ का औ भोजोर भोजोर अनम रिया खातून किन किन वर्णों की संधि होगी। अक्षर नहीं बोलो मात्रा क्या है इसमें स्वर वर्ण क्या है सो बोलो स्वर क्या है सो बोलो। भो ओ, ओ और यहाँ अ यहाँ ओ और यहाँ अ तो दोनों एक स्वर है कि भिन्न भिन्न स्वर है। भिन्न स्वर है तो ओ और अ दोनों मिलकर क्या होगा आओ। तब क्या हो जाएगा भवनम भवनम अवनम अवनम भवनम भ नहीं रहता तो अवनम ओ अ अवनम अब भ है ए बाहर कर देंगे दांत दिखाते हैं खाली तब भोज और अनम क्या बना भवन पोजोर अनम पोजोर अनम पवनम आओ होगा आओ थोड़े होगा पोजोर अनम पवनम ओ अ मिलकर के अ हो गया वही यहाँ आप लिखे हैं वो का अ हो जाता है तो पवनम पवन माने आप भवन माने घर जानते ही हैं मनीष का भवन बन रहा है तब अब क्या साबित करना है औकाया चलो पौ जोर अक पौ जोर अक पौ जोर अक किन किन वर्णों की संधि होगी इधर से और अ और अ मिलकर क्या हो जाएगा आओ आओ नहीं नीचे आओ होगा आओ कहाँ से वह के नीचे हलंत है आओ तब क्या हो जाएगा पाव प्रियांशु पौजोर अना पौजोर अना कौन सा पद बनेगा पावना 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 माने पवित्र पावन माने पवित्र
रौ जोर आना क्या हो जाएगा? रावण। रावण माने नहीं, नहीं रावयती, रावयती लिखो, कहीं लिखो रावयती, इति रावण रावयती, इति रावण का हिंदी माने क्या हुआ कि जो रुलावे, रावयती माने रुलाता है, स या इति रावण। हाँ जी, हाँ क्लास में बानी पढ़ाओ तानी, कोनो ठीक होके तो बतिया लिया ही ना, तो बाद में 10 मिनट 15 मिनट का बाद, हाँ बाद में जी। हो गया और भीषयति, भीषयति इति विभीषण, भीषण माने ना, भीषण माने अभी उपसर्ग जोड़ दिए तो विभीषण, विभीषण माने विशेष भयंकर, विभीषण भीषयति इति विभीषण, जो बहुत डरावे, भयंकर हो, इसलिए भयंकर था कि अपने भाई को मरवा दिया, मार नहीं दिया, मरवा दिया। रावण दुराचारी ही था तो उसका भाई ना था, भाई अपना दुराचारी हो जाएगा तो उसको शत्रु बुला करके आप मरवा दीजिएगा, भाई है उसको बनाइए, बढ़िया बनाइए, सज्जन बनाइए, इसलिए भी भीषण कहा गया। भीषयति भीषण चला जाए तो इसका माने कि अब यहाँ न है छुटकी और यहाँ और है काहे, तो र शौरी, र शौरी के बाद न रहे तो वह और में बदल जाता है, तो वह और में बदल जाता है, रौशरी के बाद, तो यहाँ र है इसके बाद में न आ गया तो यह र में बदल जाएगा, ऋण भूषण, भूषण आभूषण, भाषण मूर्धन्य श के बाद र आ गया, हजार।